हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर इफेक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका रिस्पांस पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे काफ़ी दोस्तों के चाहने वालों के मैसेजेज आ रहे हैं। उन्हीं व्यूवर्स में से एक व्यूवर्स ने पूछा है कि आखिर आफ्टर इफेक्ट्स में टाइटल कैसे क्रिएट की जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स पे आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कंपोजिशन क्रिएट करी है, इसको हमने सबसे पहले फोटोशॉप में जनरेट किया और फोटोशॉप में जनरेट करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लाके एनिमेट किया। ये देखिए, ये हमने आपके लिए एनिमेशन क्रिएट करा है। इसमें हमने पहले कुछ कंपोजिशन क्रिएट किया, कुछ पिक्चर्स ली और उन पिक्चर्स को हमने एनिमेट किया है। इसमें कैसे वर्क होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो जो भी आपने क्रिएट करना है तो उसकी एक स्टिल इमेज या PSD फाइल जो है आप फोटोशॉप में तैयार कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें आप फोटोशॉप कंपोजिशन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप इम्पोर्ट पर जाइए, फाइल, और जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है आप फाइल्स में जाइए और फाइल को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप एज इन रिटेन लेयर साइजेस। इसके बाद बोलता है एम्बेडेड लेयर स्टाइल। जब आप ओके प्रेस करते हैं तो आपके पास एक ये कंपोजिशन आती है। इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए, तो सेम जो आपने फोटोशॉप में क्रिएट करी है। अब हमें इन सब को एनिमेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में अभी कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मूविंग इफेक्ट अप्लाई करे जाए। आप यहाँ पे नई लेयर भी ऐड कर सकते हैं। लेयर्स बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको क्रिएट किया, बबल्स, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इफेक्ट्स एंड प्रीसेट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कीजिए आप पार्टिकल्स। देखिए ये पार्टिकल्स जो है आपको एनिमेशन के कुछ इन्होंने यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं जिससे कि आप अप्लाई करके कुछ इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इफेक्ट्स, इसी का ही ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल है। ये देखिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर अबव मेनू में, टॉप मेनू में इफ़ेक्ट्स का पैनल है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ फिल्टर्स ऑन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने सेलेक्ट किया था बबल्स। जब आप बबल्स सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इफेक्ट पे जाते हैं तो ये वेरियस फिल्टर्स हैं, इनको मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। फिलहाल हम लेते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल सिस्टम में भी आपके पास दो तरह के पार्टिकल आते हैं, एक पार्टिकल प्लेग्राउंड, एक CC पार्टिकल वर्ल्ड और एक पार्टिकल सिस्टम। हम यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम यूज़ करते हैं। जब आप पार्टिकल वर्ल्ड अप्लाई करेंगे तो अब आप उसमें करके देखिएगा कि कैसे आप उस पर काम कर पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जब इफेक्ट अप्लाई करा तो इस फर्स्ट फ्रेम पे कुछ नहीं है, लेकिन जब आप आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये प्री डिफाइंड एक फिल्टर है। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो इसमें आपके पास एक इफेक्ट्स शो हो रहा है और यहाँ पे आप इफेक्ट्स पैनल में जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पार्टिकल्स। पार्टिकल में देखिए, यहाँ पे आपके पास एक आता है पार्टिकल टाइप। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग वेरियस टाइप्स के कुछ पार्टिकल्स आपको शो कर रहा है। जैसे आप स्टार पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास स्टार जनरेट हो जाते हैं। शेडेड स्फीयर, फेडेड स्फीयर, इसके बाद शेडेड एंड फेडेड दोनों स्फीयर, ये बबल्स, इनका आप साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इसमें बोल रहा है कि आपका बर्थ साइज कितना हो, सपोज आपने बर्थ साइज इतना दिया और डेथ साइज इसका इतना दिया, तो अब क्या होगा कि वो जब ओपन होगा तो जो आपने जिस साइज को दिया उससे होगा, और जब ख़त्म होगा तो वो डेथ साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जब आप कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, रैम प्रीव्यू करता है ये। ये देखिए अभी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा कम चले, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब जैसे आपको मैंने बताया था मोड्स के विषय में, जैसे वहाँ पे ब्लेंडिंग मोड होता है, तो इसको हम नीचे वाली लेयर्स के पास ले जाते हैं, बैकग्राउंड के पास। और यहाँ पे जाके हम इसका मोड चेंज करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे कुछ मोड्स थे, जैसे आप जब एड प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है, ओवरले। ओके, ये हमने एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड बैकड्रॉप में हार्ट शेप का बैक वो है, हार्ट बैक में, वो भी थोड़ा सा एनिमेट होके आए। तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। अब आप जब आप क्लिक करते हैं तो ये डाउन हो जाता है, और यहाँ पे आपके सामने ओपन होता है ट्रांसफॉर्म और लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लेयर स्टाइल पे क्या ब्लेंडिंग मोड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। एडिटेबल जो हमने किया था, अगर ब्लेंडिंग मोड आपने एडजस्ट करनी हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैंने आपको बताए थे, एंकर पॉइंट्स, जिनके थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंट पे, जिस पॉइंट के थ्रू वो मूव करेगा। पोजीशन, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होगी, और ये स्केलिंग, ये रोटेशन, और ये आपकी ओपेक्सिटी। ओपेक्सिटी सपोज मैं चाहता हूँ कि ये छोटे से बड़ा होके आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करते हैं घड़ी पे। जब आप घड़ी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक की फ्रेम जनरेट हो जाता है। हमने कहा कि इसको हमें छोटे से बड़ा करना है, तो ये वाला जो की फ्रेम है आप इसको आगे खिसका दीजिए और इसको आप एडजस्ट करिए जीरो से, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आए तो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये फेड इन होके आए तो यहाँ पे आप ओपेसिटी पे क्लिक कीजिए, 0 से 100 जीरो कर दीजिए। जब आप इसको रैम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जीरो प्रेस कीजिए, तो ये रैम प्रीव्यू जो है, रैम प्रीव्यू आपका जितना आपने वर्क एरिया दिया हुआ है, जो ये वर्क एरिया हमने आपको बताया था, ये वर्क एरिया जितना वर्क एरिया होगा उतने वर्क एरिया तक जाएगा और ये फिर आपका एनिमेट हो जाएगा। देखिए जैसे स्पेस बार जब आप प्रेस करते हैं तो ये एनिमेशन। अब आप चाहते हैं कि ये जूम होके बाहर निकल जाए, तो ये आप इस एरो से गो टू नेक्स्ट की फ्रेम पे जा सकते हैं, जो इस की फ्रेम पे आपने जाना हो, और इसको आप स्केल कर दीजिए इस तरीके से। इनिशियल में ये फेड इन होके आए,